हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और आज हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग जैसे कि नाम बता रहा है डीएनए की पैकेजिंग हो रही है डेफिनेशन से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल मैंने मैंने आपको एक लंबी सी रस्सी दे दी ओके okay? और मैंने कहा कि छोटे से बैग में से पैक कर दीजिए ये बैग कम घड़ा ज़्यादा लग रहा है बट तो कोई बात नहीं सो so, आप क्या करेंगे अब इसका साइज इसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है सो so, आप इसे फोल्ड करेंगी और फिर इसके अंदर फ़िट करने की कोशिश करेंगे बट आप इसे ऐसे ही फिट नहीं कर देंगे गुच्छा मुच्छा करके फिट नहीं करना है आप इसे एक प्रॉपर वे में फ़िट करेंगे ताकि जब आपको यूज़ करना हो तो आप आराम से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं सो डी एन ए पैकेजिंग भी कुछ इसी बेस पे है जब हम एक सिंगल सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम से डी एन ए निकालते हैं उसे एंड टू एंड स्ट्रेच करते हैं तो वो लगभग कुछ वन मीटर या उससे ज़्यादा आता है सो लेंथ क्या है डीएनए की अप्रॉक्सीमेटली 2.2 पॉइंट मीटर्स और मोस्ट यूक्रोटिक सेल का जो डायमीटर होता है वो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर और सेल न्यूक्लियस का तो उससे भी छोटा होता है दैट इज़ टू टू 4 और 6 माइक्रोमीटर सो इस लंबी रस्सी को हम इसे छोटे से बैग में पैक करना है दैट इज़ डी एन ए पैकेजिंग डी को न्यूक्लियस में पैक करना है दैट इज़ डीएनए पैकेजिंग ठीक है सो द फोल्डिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए उस रस्सी को फोल्ड किया इनटू अ कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉम्पैक्ट फॉर्म में ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके उस बैग के अंदर फिट हो सके ऑफ अ सेल इस रिकॉल्ड और रेफर टू एज डीएनए पैकेजिंग ठीक है सो so, जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर था वो इज़ फर्स्ट डिस्क्राइब इन नाइनटीन बाय आर कॉनबर्ग जो जब पैकेजिंग होने लगती है ना सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज न्यूक्लोजोम ठीक है सो so, सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि डीएनए की लेंथ लंबी है और इसे न्यूक्लियस में फिट करने के लिए पैकेजिंग नेसेसरी है इसकी रिक्वायर क्यों है ताकि डीएनए की बेटर फंक्शनिंग के लिए और जीन रेगुलेशन में भी ये क्रूशल रोल प्ले करता है डीएनए पैकेजिंग की जो प्रोसेस है प्रोक्रोड्स और यूक्रोड्स में अलग अलग है प्रोक्रोय्स में क्या होता है कि जो क्रोमजोम होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाइक करते हैं सो so, पैकेजिंग जरूरी नहीं है उनके लिए डीएनए खुद को फोल्ड कर लेता है स्ट्रक्चर्स को कहते हैं न्यूक्लियोइड में पर डी और इसमें क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है बट यूक्रोड्स में देर इज़ अ ट्रू न्यूक्लियस बैग है यहाँ पे तो उसके अंदर डी को फिट करना देर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ डी एन सो मैकेज़म में होता क्या है कि डी होगा जिसे पैक करना है हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे जिसके अराउंड वो बाइंड uh, uh, करके पैक होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो उसकी फर्दर कॉम्पैक्शन में हेल्प करते हैं सो so, हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्स पढ़ेंगे सो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग जो है वो है न्यूक्सोम सेकेंड है सोलिनोइड फाइबर थर्ड है क्रोमेटिन और फोर्थ है क्रोमोजोम सॉरी मैंने ग्लिटर पेंस यूज कर लिए थे सो so, सबसे पहले पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियोसोम So, सो बेसिक बेसिक्स चीज़ें समझ लेते हैं सो so, होता क्या है इंट्रैक्शन होती है किसके बीच में डीएनए के बीच में और हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स के ऑक्टामर पे ठीक है हम आगे बताएंगे कि ऑक्टामर भी कैसे बनता है सो डी एन क्या होता है नेगेटिवली चार्ज है तो अब इसको किसी के अराउंड बाइंड होना है तो वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज सो ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये फोस्फिट ग्रुप की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व है जैसे H1, H2, टू ए एच टू बी एच थ्री और एच फोर सो होता क्या है कि ये जो एच टू ए एच टू बी और थ्री फोर जो है ये टू टू की फॉर्म में होते हैं ठीक है सो so, जैसे कि एच टू ए एच टू बी एच टू ए एच टू बी तो ये दो डाइमर बना दिए एच टू ए के और एच टू बी के और एच थ्री जो टेट्रामर बना देंगे एच थ्री एच थ्री एच फोर एच फोर और ये जो होते हैं ये लाइसेंड रिच होते हैं अब ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं तो उसमें बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे सो तो ये दोनों जो हैं बेसिक लाइसिन रिच होते हैं और ये आर्जिनिन रिच होते हैं ठीक है अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे फोर फोर ऑक्टामर बन गया राइट दिस इज ऑक्टामर और इसको बोलते हैं कोर हिस्ट्रोन और फिर डीएनए आया और इस कोर हिस्टोन के अराउंड बाइंड कर गया देखिए यहाँ बाइंड कर गया राइट right? सो so, अब यहाँ पे 146 फोर्टी सिक्स ही क्यों है इस कोर पार्टिकल के अराउंड इस कोर हिस्टोन के अराउंड सॉरी uh, सिर्फ 146 फोर्टी सिक्स डी एन ए का डी एन ए ही यहाँ पे बाइंड अप होता है दैट्स वाई इट इज़ वन फोर्टी सिक्स बेस पेयर ठीक है और इसके साथ क्या एशोशिएट होता है एच वन अब एच वन कहाँ होता है जहाँ पे Uh, जो डीएनए है एंटर कर रहा है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को और लीव कर रहा है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को ठीक है सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इट इज़ ऑल्सो लाइस एंड रिच इट इज एशोशिएट विथ लिंकड डी एन एंड मे लाई एट द एंट्री और एग्जिट साइट ऑन द सर्फेस ऑफ न्यूक्लोजोम ठीक है लाई एट अ पार्ट वेयर डी एन एंटर और लीव द न्यूक्लोजोम ठीक है सो लिंकर डी की बात हो रही है तो लिंकर डी भी क्या होता है जैसे ये एक uh, न्यूक्लोजोम बना इस चीज़ को न्यूक्लोजोम कहते हैं ठीक है थीके? हिस्टोन्स और डीएनए रैप हो गया दैट इज़ न्यूक्लोजोम ठीक है so सो अब यहाँ से ही है गया यहाँ पे एक और न्यूक्लोजोम होगा बट यहाँ पे ये यह जो बीच में डीएनए का पार्ट है दिट इज द लिंक डी एन ठीक है और क्या होता है एंड टर्मिनल टेल्स हेल्प इन अटैचमेंट अब ये जो बेसिक प्रोटीन्स हैं इनके एंड टर्मिनल टेल होते हैं जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग क्रोमोजोम फॉर्मेशन ठीक है सो दिस इज द कि डीएनए कैसे रैप अराउंड हुआ हमारे हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जैसे ये देखिए ये है हमारा दैट इज द ऑक्टामर और उसके अराउंड क्या है बाइंड है डीएनए और ये लिंकर रीजन है और ये डीएनए और ये अगेन ये न्यूक्लियोसोम है ठीक है जिसमें क्या हैस्टोन है, प्रोटीन है और वन फोर्टी सेवन और वन फोर्टी सिक्स और सेवन बीस पेयर ऑफ डीएनए है सो so, न्यूक्सोम क्या है फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट है यूक्रोटिक क्रोमैटिन की अब वो कैसे बिकॉज ये क्रोमैटिन फाइबर पे बार बार रिपीट होते हैं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डीएनए का डबल हेलिक्स था टू नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है फिर उसके अंदर क्या हुआ कि डीएनए किसके अराउंड रैप हो गया हिस्टोन ऑक्टामर के और इसने एलेवन नैनोमीटर डायमीटर का पार्ट स्ट्रक्चर uh, बना दिया और ये है हिस्टोन्स और ये उसके साथ क्या है डी एन ए रैप है जैसे सनिक्लोजोम बीट सोन स्ट्रिंग बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि एक लंबी सी रस्सी पर मोती से जुड़े हुए हैं आउडिट ने न्यूक्जोम टर्म दी थी और न्यूक्लिजोम का सोलिनॉइड मॉडल दिया था फिंच और क्लंग ने ठीक है सो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले है कॉर पार्टिकल सो कंसिस्ट ऑफ 146 फोर्टी सिक्स जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डीएनए रैप है राइट ये है हमारा ऑक्टामर और यहाँ पे डीएनए रैप है कितना टाइम अप्रोक्स वन टाइम्स इन लेफ्ट हैंडेड हैलिक्स में और इसको क्या कहते हैं हम कॉर पार्टिकल कहते हैं ठीक है जो मैंने आपको पीछे बताया इट कंसिस्ट ऑफ वन फोर्टी पेस पेयर ऑफ टी एन ए रैप्ड अप्रॉक्स वन पॉइंट सेवन टाइम्स इन लेफ्ट हैंडेड हैलिक्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स ठीक है क्रोमेटोजोम क्रोमेटोजोम क्या होता है जब एच इसके साथ जुड़ जाता है ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ जब एच लिंक हो जाएगा दैट विल फॉर्म क्रोमेटोजोम इसका स्ट्रक्चर वन सिक्सटी सिक्स का हो जाता है तो पार्टिकल इंट्रैक्ट पार्टिकल कंटेनिंग अप्रोक्स वन सिक्सटी सिक्स प्यर कार्ड क्रोमेटोजोम फिर है लिंकर डी एन ए तो लिंक डी एन ए भी मैंने आपको बताया दैट दिस है हमारा कोर डी एन ए और ये दूसरा निक्रोजोम है इसके बीच में जो था वो लिंक डी एन ए दिस इज द लिंकर डीएनए इसके बाद हम पढ़ेंगे द सेकेंड ऑफर ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग दैट इज़ सोलिनोइड फाइबर तो न्यूक्लोजोम यूनिट्स होगी ऑर्गेनाइज होगी मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं जिसे कहते हैं थर्टी नैनोमीटर होता है डायमीटर में और थर्टी नैनोमीटर फाइबर अब क्या बनाएगा ये थर्टी नैनोमीटर फाइबर बनाएगा जो डी की लेंथ को और ज़्यादा शॉर्ट कर रहा है सेवन फोल्ड ठीक है जो पीछे न्यूक्लोजोम बना उसने भी सेवन फोल्ड ही उसकी लेंथ को शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर दो मॉडल्स हैं सोलिनोइड मॉडल और जिक्जैक्ट मॉडल अब जो है ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहे हैं हैं तो दोनों ही थर्टी नैनोमीटर थर्टी नैनोमीटर बट एक है सोलिनोइड मॉडल और एक है जिग्जैड मॉडल ठीक है इसमें क्या होते हैं जैसे वो ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में अरेंज होता है और इसमें जिग्जैग की फॉर्म में अरेंज है ठीक है सो न्यूक्लोजोम आर पैक्ड इन स्पाइरल कंफिग्रेशन और कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूक्म सिमेट्रिकल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये है हमारा सोलिनोइड और इसकी विथ होती है थर्टी नैनोमीटर ठीक है और इसकी भी थर्टी नैनोमीटर ही होती है बट इसमें क्या होता है कि जो लेस कॉन्टैक्ट ऑकर बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लोजोम के बीच में लेस कॉन्टैक्ट होता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन न्यूक्लोजोम के बीच में देर इज लेस कॉन्टैक्ट so यहाँ पे क्या हुआ जो न्यूक्लोजोम बना था वो मोर कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है जिसका डायमीटर है थर्टी नैनोमीटर ठीक है इसके बाद है हमारे पास रेडियल लूप तो रेडियल लूप में क्या होता है इंट्रैक्शन होता है जो हमारे पास पीछे फाइबर बनाना थर्टी नैनोमीटर नैनोमीटर का और प्रोटीन्स के बीच में बट यहाँ पे प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स हैं चलिए देखते हैं सो so ये है हमारे पास न्यूक्लियस मैट्रिक्स ठीक है सो so ये प्रोटीन यहाँ पे क्या है ये न्यूक्लियर का लैमिला है लैमिना सॉरी

स्कैफ़ोल्ड अटैचमेंट रीज़न अब ये जो एम ए आर है ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे किसके प्रोटीन के साथ न्यूक्लियर के मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे ठीक है सो देखिए यहाँ पे बाइंड हो गया है और इन्होंने फॉर्म कर दी रेडियल लूप ठीक है अब ये जो है यहाँ पे प्रोटीन ये प्रोटीन फाइबर है इसके साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है इसे स्कैफोल्ड भी बोलते हैं स्कैफोल्ड का सिंपल सा मतलब होता है जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है सो so, ये डीएनए को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो सके ठीक है सो so, यहाँ पे रेडियल लूप में क्या हुआ कि फाइबर जो थर्टी नैनोमीटर फाइबर है ये हमारी डी की ये किसके साथ इंट्रैक्ट कर रही है प्रोटीन्स के साथ किसकी प्रोटीन के साथ न्यूक्लियर मैट्रिक्स की प्रोटीन के साथ फिलामेंटस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन इन द न्यूक्लियस कॉल न्यूक्लियर मैट्रिक्स वही चीज़ लिखी हुई है मैंने कि डीएनए के पास सिक्वेंसिस हैं एम और एस और एम के साथ बाइंड करेंगे स्पेसिफिक प्रोटीन के न्यूक्लियर मैट्रिक्स के स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ और क्रोमोसोमल लूप्स बना देंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स किस में हेल्प करता है कॉम्पैक्शन में हेल्प करता है और सर्व्स टू ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस और इसका डायमीटर कितना होगा 300 नैनोमीटर नाइनोमीटर so, सो ये ब्रोकर की बुक से डायग्राम है सो so, अब क्या हुआ जो थर्टी नानो मीटर बना था उस वो उसने रेडियल लूप्स बना दी स्केफोल्ड के राउंड प्रोटीन स्केफोल्ड के और रेडियल लूप्स बन गए जिसका डायमीटर है थर्टी मीटर फिर फर्दर पैकिंग होती है ठीक है और मोर कम्पैक्शन होती है जिसमें कुछ रीज़न जो हैं यूक्रोमैटिन होते हैं है, और ज़्यादा कंडेस्ड रीजन हीट्रोक्रोमैटिन होते हैं जैसे सेंट्रोमेयर हो गया टीलोमेयर हो गया वो वो होंगे यहाँ पे जीन एक्सप्रेस नहीं होती है यूक्रोमैटिन में जीन एक्सप्रेस होती है सो so, यूक्रोमैटिन क्या होते हैं फंक्शनल होते हैं और हीट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं टाइटली अरेंज एन और इसका डायमीटर होता है सेवन नैनोमीटर और लास्ट है हमारे पास क्रोमोजोम सो फाइनल पैकेजिंग होगी बाय लूपिंग जो मैंने आपको पीछे बताई जैसे रेडियल लूपिंग और स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया कि प्रोटीन नॉन प्रोटीन्स जो कि हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं किसको डीएनए को ये जो प्रोटीन्स हैं ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और ये स्कैफोल्ड्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है डी को ठीक है सो क्रोमाइटिन फाइबर्स और ज़्यादा कंडेंस हो, हो जाएंगी और लास्ट में बना देंगी क्रोमोसोम जिसका डायमीटर है फोर्टीन हंड्रेड नैनोमीटर सो हुआ क्या जो रेडियल लूप्स बनी थी वहाँ पे फर्दर कॉम्पैक्शन होगी और उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया सेवन हंड्रेड नैनोमीटर का और फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड फ्रॉम द न्यू न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड फर्दर कॉम्पैक्शन ऑफ ऑल रेडियल लूप्स फर्दर कॉम्पैक्शन हो जाएगी और बना देगा मेटाफेस क्रोमोजोम जिसका डायमीटर है फोर्टीन हंडर्ड नैनोमीटर सो डी एन ए था डबल हेलिक्स रैप अराउंड हो गया हिस्टोन के न्यूक्लोजोम बना दिया जिसका डायमीटर है इलेवन न्यूट्रोमीटर उसका था टू नम नैनोमीटर एंड इलेवन नैनोमीटर फिर न्यूक्जोम बन गया बीट जोन स्ट्रिंग बोलते हैं फिर बाद में थ्री डीज एक्जैक्ट मॉडल बन गया इसका ठीक है जिसका डायमीटर था थर्टी नैनोमीटर और थर्टी नैनोमीटर फाइबर बाद में रेडियो लूप्स बना दी इन्होंने ठीक है प्रोटीन्स के साथ अटैच करके नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जिसका डायमीटर था 300 नैनोमीटर फर्दर कॉम्पैक्शन हो गई फर्दर इस, इसने 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बना दिया और लास्ट में 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम सो दिस इज ऑल अबाउट द निक्लोजोम ब्रूकर की बुक में आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा Thank you for watching this video. Have a nice day.